हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, यहां पे मेरे पास एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है और ये है इन्वर्टर ट्रॉली। और अगर आप भी इन्वर्टर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। और यहां पे ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, बहुत ही हेवी ये है। जनरली आप देखते हैं कि कोई अच्छे क्वालिटी का नहीं रहता है तो वो बेंड कर जाता है बैटरी के वेट से, बट यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हेवी है। ये जो कंप्लीट है ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और इसके अंदर में क्या क्या दिया गया है तो यहाँ पे देखिए, ये जो व्हील्स है 1, 2, 3, 4 और 5 है, 5 व्हील्स है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो पैनल्स है, एक एक करके मैं निकाल लेता हूँ बाहर, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे पैनल्स को बाहर निकाल लिया और एक एक पैनल अगर मैं देखो तो बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये इतना ज़्यादा हैवी है कि इसको आप बेंड नहीं कर सकते, या बैटरी का जो वजन रहेगा उससे भी ये बेंड नहीं होगा। और अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि ये पूरा जो बैटरी का लोड होता है उसको आराम से सह सके। और ये देखिए, ये है साइड पैनल्स, ये वाला पीछे का था और ये है साइड वाला, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं वजन इसका फील कर पा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे इंटरलॉक है, ये इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे आपको लगा देना है, ये लॉक हो जाएगा, ये देखिए। और ये वाला भी, ये देखिए, ये नीचे वाला है और देखिए कितना स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और हेवी यही है। और इसी में व्हील्स लगेगा तो इसको लगाना भी बहुत ईजी है। सिंपली इसमें 5 व्हील्स है तो 4 कॉर्नर में ये आ जाएगा, ये देखिए, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ और 4 कॉर्नर्स पे, और एक आएगा आपका सेंटर में। सेंटर में आपका इम्पॉर्टेंट है, बैटरी का जो लोड है वो उठाएगा। तो इसको अच्छे से आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो व्हील लगाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है और यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इस पर कितना भी अगर लोड आप डालेंगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा लोड ये उठा लेगा और एक बड़ा सा बैक्ट्रा इस पर आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो स्लॉट बना है, सिंपली यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह का स्लॉट यहाँ भी बना है साइड पैनल पे। अब यहाँ पे इसको लगा देना है, ये यहाँ पर ये आ जाएगा अपने जगह पर, यह बैठ जाएगा, बहुत अच्छे से आ गया ये। उसके बाद दूसरे साइड तो यहाँ भी आ जाएगा, ये देखिए बैठ गया अपनी जगह पे, इतना रेडी हो गया है। उसके बाद ये फ्रंट वाला पैनल है, यहाँ पे देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है जो कि इसमें आकर के लग जाएगा, और नीचे में इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है। और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, स्टैंडर्ड इसका व्यू आ रहा है, आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसको यहाँ पे सेट कर देना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये स्पेस बन गया है बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो। और फाइनली ये जो लास्ट पैनल है ये इसके ऊपर में आ जाएगा और ये जितना स्लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। आराम से इसको लगा देना है अपनी जगह पे, ये देखिए बहुत ही प्यार से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दोस्तों, फिट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अभी इंजन ये सब रहता तो इस पर डाल के देखते, बट अभी इंजन खुला हुआ नहीं है, बट फिर भी ऊपर में यहाँ पे आप इन्वर्टर का जो है वो रख सकते हैं और नीचे में आप यहाँ पे बैटरी रख सकते हैं। और बहुत ही स्पेसियस है, किसी भी तरह का बैटरी आराम से इसमें आ जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। और पीछे से जो भी वायर ये सब आएगा आपका आ सकता है, पीछे ओपन है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।